बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और नाइन्थ क्लास फिजिक्स का आज आप मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हो अपना यूनिट नंबर टू काइनामेटिक्स। हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर वन जो अब लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ कंप्लीट किया था, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हम लोगों ने सारा कुछ एक्सरसाइज का पोर्शन और वन बाय वन डिटेल टॉपिक को डिस्कस किया। और आज आपसे हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा जी यूनिट नंबर टू काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स के चैप्टर में जी आप मेरे साथ देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कब रेस्ट पे होता है, कब बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, और कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास मोशंस आती हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास स्पीड कैसे आती है, वेलोसिटी कैसे आती है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, फिर हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, उनको हम आपस में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमारे पास जो है वो कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे पास स्पीड कैलकुलेट करके देता है, फिर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो है वो कुछ आएंगे जी शेप्स ऑफ द ग्राफ एट रेस्ट मूविंग द कांस्टेंट स्पीड इन द वेरिएबल स्पीड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, और लास्ट पे आएंगे जी क्वेश्चंस ऑफ मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस लेवल पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ सॉल्व आउट भी करेंगे। तो आज से हम मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हो जी अपना चैप्टर रेस्ट इन काइनामेटिक्स, जिसमें हमने मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं अबाउट द रेस्ट इन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन, स्केलेटन एंड द वेक्टर, ग्राफिकल एनालिसिस एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा उसका मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया करें, ताकि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट लेना होता है चैप्टर का, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट, वो लेना आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का सबसे पहला टॉपिक। आपका पेज नंबर है 29 और आपका टॉपिक नंबर है 2.1 रेस्ट एंड द मोशन, कि रेस्ट पे कब होती है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, और मूव कब करती है, और जब बॉडी मूव करती है तो हम लोग से क्या कहते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। स्टार्ट करते हैं जी। वी सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, सम ऑफ देम आर एट रेस्ट व्हाइल अदर्स आर इन मोशन। यहाँ पे अब हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है रेस्ट की। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें, डिफाइन रेस्ट, ठीक है, डिफाइन रेस्ट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, कि बॉडी रेस्ट पे कब होती है, तो आप बताएंगे बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग्स एंड द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सिमिलरली अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो बॉडी मूव कब करी होगी, जब बॉडी जो है हमारे पास अपनी चेंजिंग करेगी पोजीशन की, चेंजिंग लेके आएगी पोजीशन में अंदर, मूव करेगी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव करेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि बॉडी इज इन मोशन। यहाँ पे भी आप शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करेंगे जी मेरे साथ कि व्हेन बॉडी इज एट मोशन, और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन मोशन। तो ये चीजें आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है अपने साथ साथ अपनी बुक के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन रेस्ट एंड मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। अब हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट की जो एग्जांपल है वो सेम आएगी, और आपसे जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे रेस्ट का या मोशन का, तो ये नीचे वाली एग्जांपल जो मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ ये आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है। और वो क्या है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट्स इन द बस। But to an observer outside the bus, the passengers are the objects inside the bus are in the motion. तो अगर मैं बस में बैठी हुई हूँ या किसी कार में बैठी हुई हूँ, तो मेरे लिए क्या है कि जो मैं जो हूँ खुद, मुझे क्या लग रहा है कि मेरी पोजिशन क्या है, एट रेस्ट है, क्योंकि मैं अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रही। और अगर कोई बाहर से मुझे देख रहा है, कोई मुझे बाहर से जो है वो वैन के अंदर या कार के अंदर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं वहां पर बैठी हुई हूँ, तो वो क्या समझेगा कि मैं जो हूँ या कोई वहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो उसकी पोजीशन क्या है, वो मूव कर रहा है, वो इज इन मोशन है, क्योंकि हर किसी का देखने का नज़रिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। जो बाहर से देख रहा है उसकी पोजीशन और है, और अगर मैं अंदर से देख बैठ के बाहर देख रही हूँ तो मेरे लिए पोजीशन और है। तो ये हमारे पास रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। आगे आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल फाइंड इट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन मोशन। However, different objects move differently. Some objects move along a straight line, some move along a curved path, and some move in the other way. There are three types of motion. तो अगर आपके पास short में आएगा तो आपसे पूछा जाए how many types of motion are there? तो आप लिखेंगे सबसे पहले translatory motion. Translatory motion में हमारे पास linear, random और circular motion आ जाती है. Rotatory motion और vibratory motion. आ जाते हैं जी अपने सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन के आगे सब डिविजन है लीनियर मोशन, रेंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। वॉच हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग।
डू दे मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डू दे मूव अलोंग अ सर्कल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज अ ट्रांसलेशन मोशन, सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट इज इन ट्रांसलेशन मोशन. In translation motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. तो ये आपके पास translatory motion की क्या हो गई है? Definition है. ऊपर आप mark कर लीजिए कि ये आपकी definition है translatory motion की. Next क्या कह रहे हैं? कि the object as shown in the figure 2.3. ऊपर आपको क्या दिखाया जा रहा है figure 2.3 को? Moves along a curved path without rotation. This is the translation motion of the object. Riders moving in a Ferris wheel such as shown in figure 2.4 are also in translation motion. Their motion is in a circle without rotation. Translatory motions can be divided into linear motion, circular motion and random motion. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे जी types of translatory motion. तो ये जो topic है ये आपने short के साथ साथ long के लिए भी तैयार करना है, इसलिए आपको headings जो है वो mark करवाई जा रही हैं. Types of translational motion. ये आपके पास आगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन और ऊपर तक जो है वो आपने एग्जांपल्स में आकर करनी है इसकी. ये आपके पास एग्जांपल्स हैं ट्रांसलेशन मोशन की और यहाँ से जहाँ से हाईलाइट किया गया है यहाँ से आपके पास आ जाती है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन. सबसे पहले टाइप है लीनियर मोशन. लीनियर मोशन आपकी होगी जी मेन हेडिंग और मेन हेडिंग के बाद आपने उसमें सबसे पहले सब हेडिंग देनी है और वो आपके पास क्या आएगी डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या है जी? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन. We come across many objects which are moving in a straight line. The motion of objects such as a car or moving on a straight and level road is in linear motion. Aeroplanes flying straight in the air, objects falling vertically down are also the examples of linear motion. और यहाँ पे आपकी next heading आ जाएगी इसकी जो examples और examples हमारे पास क्या है? Aeroplanes flying in a straight line in air and objects falling vertically down are the examples of linear motion. Second type है जी हमारे पास circular motion. Circular motion में क्या कहा जा रहा है? A stone tied at The end of a string can be made to whirl. What types of path is followed by the stone? The stone, as shown in the figure 2.6, moves in a circle and thus has circular motion. तो जब हम stone को पकड़ के घुमाएंगे तो वो हमारे पास कौन सी motion आती है? Circular motion. Circular motion को define कैसे करना है? The motion of an object in a circular path is known as circular motion. Figure shows a toy train moving on a circular track. A bicycle or a car moving along a circular track possesses circular motion. Motion of the earth around the sun and the motion of the moon around the earth are also the example of the circular motion. तो यहाँ पे आप heading देंगे, main heading circular motion हो जाएगी और sub heading में सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी definition और definition के बाद आपको ये वाला paragraph आपको heading देता है जी examples. नेक्स्ट हमारे पास जी लास्ट टाइप ऑफ मोशन है वो है हमारे पास रेंडम मोशन. द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेंडम मोशन. तो अगर हमारे पास जैसे हमारे पास ये फ्लाइज वगैरह होती हैं, अगर हम इनकी कभी ऑब्जर्व करें इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह की मोशन को तो वो रेंडम मोशन होती है. वो कभी कभी स्ट्रेट लाइन में किसी कर्व लाइन में नहीं होते हैं, दे हैव अ रेंडम मोशन. थस मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द बर्ड इज इन द रेंडम मोशन. द मोशन ऑफ द डस्ट और द स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज ऑल्सो रेंडम मोशन. The Brownian motion of a gas or a liquid molecules along a zigzag path, such as shown in figure 2.8, is also the example of the random motion. तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले heading आएगी definition और नीचे वाले paragraph में आपने heading दे देनी है examples की और उसी के साथ आपका translatory motion के ऊपर जो long question है वो complete हो जाता है. आप लोगों ने definitions तैयार करनी है, आप लोगों ने examples तैयार करनी है और अगर आप लोगों को ये figure याद हो जाती है, बनाने आती है, time है आपके पास बनाने का तो आप लोग जो है वो बना सकते हो. यहाँ पे आपका ट्रांसलेटिव मोशन का जो लॉन्ग क्वेश्चन है खत्म हो जाता है. यहाँ आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स की दो आपने चीजें जो है वो हर टाइप ऑफ मोशन में से याद करी. ट्रांसलेटिव मोशन के जो एग्जांपल्स हैं और उसके उसका मेन टॉपिक आपका ट्रांसलेशन मोशन का और उसके बाद सब डिवीजन है उसकी थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रेंडम मोशन. उसी के साथ जी हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा. इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी. और लास्ट पे जाते हुए आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.